तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें अमर से रिलेटेड, तो बात करते हैं न्यू क्रिएटर से रिलेटेड जिन्होंने गॉड लाइक को ज्वाइन किया है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि वो अभी एक न्यू एडिशन है एंड उनको कुछ भी करंट कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में नहीं पता है। तो यार काफ़ी लोग जो हेट के रिलेटेड उनको सुपर चैट्स कर रहे हैं वो मत करो एंड उनका वेलकम करो, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें हम हस्तर से रिलेटेड, तो बात करते हैं कि जो भी को कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी स्काउट एंड मावी की, क्या वो एक एजेंडा था स्काउट के अगेंस्ट में, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। पर थियरी क्या है? व्हाट डू यू थिंक हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड थियरी क्या है? मेरे को एक चीज बताओ। ठीक आई डोंट नो ना, किसी ने तो स्टार्ट किया होगा ना, या तो सुने या उसने किसी ने तो कहीं पे स्टार्ट किया होगा, फिर तो सुने भाई है, एक बस दूसरे के उठ गए बस ना कुछ और, क्योंकि अगर इतनी बातें पता है तो भाई 2 साल 3 साल से भी तो पता ही थी ना। अब जब हमारा अनबन हुआ तब मैं बताऊं, डिस्क्लोज कर रहे हो। मैं बताऊं, मेरे को मेरी थियरी है कि एक एजेंडा था। कैसा एजेंडा? स्काउट के अगेंस्ट, व्यूअरशिप के लिए नहीं, स्काउट के अगेंस्ट। और एजेंडा कौन चला रहा है? कुल भाई कम ऑन यार, डूड यू आर वेरी, यू आर वे टू स्मार्ट देन मी मैन, कम ऑन डूड। नहीं भाई मैं तो नहीं हूं, मैं आई फील लाइक दिस वाज एन एजेंडा अगेंस्ट स्काउट, यू आर स्मार्ट डूड, कम ऑन डूड। यार ऐसा नहीं है, स्काउट ने भी तो सबके साथ कंट्रोवर्सी करा है यार, करा है कुल भाई, राइट? मतलब मैं अगर मैं एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली तो मुझे किसी के लिए सिंपैथी नहीं है क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, ठीक है? स्काउट जीरो सिंपैथी, स्काउट जाए उनके झगड़े के लिए ना, मुझे फर्क पड़ता है उनके झगड़े से। स्काउट जाए लेफ्ट वाले भाड़ में, मावी जाए राइट वाले भाड़ में, हां क्या अपन उन दोनों के बारे में या उनको सिंपैथी नहीं दे रहे, अपन ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों का स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है? या किस वजह से हो सकता है या क्यों? एंड देखो इसमें तो सीधा है, स्काउट ने सोल स्काउट ने वो एसेट लीव किया, एसेट लीव होते ही इधर, आई डोंट नो, किसी ने मुझे ये नहीं था कि स्टार्ट किसी ने किया तो मैं ऐसे बोल लूं, बट हाँ मतलब एक तरह से अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसको लगेगा कि यार और लीव किया तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, मतलब हाँ, वो क्वेश्चन तो कोई ना कोई, बट आई डोंट थिंक मतलब कुछ जरूरी है कि उससे रिलेटेड हो, राइट? लाइन हां, मेरा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही हुआ हो, मेरी थ्योरी है कि वो स्टार्स लाइन अप होते हैं ना, वो ऐसे हो गए कि उसी टाइम पे होना था सब कुछ, बट एक तरह से ये यूजुअल भी है ना ये चीज, एक लेट्स से अगर चार लोग है, चार लोग में से एक बंदा निकल के जाएगा वो ऑब्वियसली आएगी, कुछ ना कुछ तो जरूरी है, कुछ ना कुछ तो अंदर थोड़ी बहुत अनबन होती है कि जो कि जब जैसे लीव करेगा उसके ऊपर से वो प्रेशर हट जाएगा या वो फिल्टर हट जाएंगे तो बोलेगा कुछ ना कुछ लीव करके, या जो लीव कर जिसको लीव करके आया वो लोग कुछ बोलेंगे, तो ये तो एक तरह से होता ही है, मतलब ऐसा कुछ राइट, कोई ऐसा कोई ये वो नहीं है एक कि जिसके ऊपर कोई बोल नहीं सकता है, ऑब्वियसली भाई ये चीजें नॉर्मल ही है। मुझे दूसरी चीज पता क्या लगी कुल भाई, कि मावी की स्क्रिप्ट थोड़ी सी है ना, मतलब बहुत हां कंप्लीट थी, मैं बट मावी इंटेलिजेंट भी है यार, ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूं लाइक मावी को बोलना आता है भाई अच्छे से, मेरा मेरा स्काउट और मावी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है इस चीज का, ठीक है? इस चीज को से रिलेट भी मत करना गाइस, मैं बस ये कह रहा हूं कि मावी की स्क्रिप्ट मुझे कहीं हद तक थोड़ी ज्यादा फर्निश्ड लगी कंपेयर टू स्काउट, व्हिच माइट इंडिकेट के सिर्फ मावी ने अकेले ने प्रिपेयर नहीं किया। भाई देखो यार, अगर कल मैं स्काउट के साथ झगड़ा करूंगा, राइट, मतलब एज जस्ट आर्गुमेंट के लिए, अगर मैं कल स्काउट के साथ झगड़ा करूंगा और मैं स्काउट को जैसे जानता हूँ कि कैसे वो कन्विंस कर लेता है सबको, तो ऑब्वियसली भाई अगर मैं प्रिपेयर होकर नहीं जाऊंगा तो स्काउट तो भाई कच्चा खा जाएगा मुझे है कि नहीं, मतलब क्योंकि स्काउट ने इतना कंट्रोवर्सी करी है, वो जीता ही है ना सब में अल्टीमेटली लोगों के बीच में, बट इस बार जो स्काउट का ओपोनेंट था वो एक बेटर प्रिपेयर था, अनलाइक उसके जो पास्ट ओपोनेंट थे, कहीं मच बेटर प्रिपेयर था। स्काउट ऐसी पोजीशन पे था कि उसको अगर मावी ने कुछ बोला भी है ना, अभी स्काउट को कुछ नहीं बोलना चाहिए था लाइक, क्योंकि अब स्काउट ऐसी पोजीशन पे है, अगर कोई उसके साथ कंट्रोवर्सी करता है ना, उसका बोलना ही उसके लिए एक हार है, समझ रहे हो? उसको एनी वेज ये चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि अब उसका ब्रांड वैल्यू जो है वो मतलब देखो बहुत ज्यादा, चाहे राइट कोई स्काउट को पसंद करे ना करे वो पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है, बट जो फैक्ट है कि स्काउट का जो ब्रांड वैल्यू है वो डिफरेंट लेवल पे है, उसका रीजन है कि भाई उसके पास मल्टीपल गेम्स ऑफ जोनरा का ऑडियंस है, जिसमें कि एक 7-8 हज़ार 10 हज़ार की वाचिंग वो किसी भी गेम पे या किसी भी जोनरा पीसी गेम पे लेके आ सकता है, 8-10 हज़ार की वाचिंग वो किसी भी गेम पे लेके आ सकता है, तो भाई वो एक डिफरेंट ब्रांड वैल्यू एडवांटेज है उसके पास। एंड इसके बाद जो स्काउट है वो हमारे को अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर एक मैसेज डालते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो ये चीज़ लिखते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे को अच्छा तो करना देखना चाहते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, वो काफ़ी डेंजरस लोग होते हैं, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें हम गुरु से रिलेटेड, तो उन्होंने भी अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाला कि यार जो बंदा हंस रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो हस्तर है वो बात करते हुए दिखाई देते हैं एक प्राइस पूल से रिलेटेड, जहाँ पे वो बात करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, एंड वो बताते हैं कि कैसे उनका जो प्राइस पूल है उसको दिया नहीं गया था एंड उसको जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया था, एंड ऐसा उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। 2019 PMCO जो पहला वाला खेला था ना हमने,
जिसके अंदर हम लोग थर्ड आए थे जहां से शुरुआत हुई थी, उसका प्राइस पूल हमें मिला था 20 लाख रुपए कुछ समथिंग था, है ना, हमें मिला था जो टीम आईटी को, वो चाइना से आनी थी पेमेंट, क्योंकि उस टाइम पे टेंशन था, तो चाइना से जब वो पेमेंट आनी थी उसका टीओ था नॉडविन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉडविन ही था, तो उसकी पेमेंट आई मुझे दिसंबर में उसी साल के, पर हमें बोला गया था 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगी, और 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं आई, हमने पूछना शुरू किया प्लेयर्स ने, मुझे पता नहीं किसी ने बोला कि भाई चाइना से ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है पेमेंट, ठीक है, और ये आ चुकी है इंडिया में, यहां पे इन्वेस्ट कर दी गई है इंटरेस्ट के लिए। ये चीज मैंने भी सुना है कि मतलब तो मेरे प्राइस पूल वाले टाइम पे मेरे दिमाग में यही आया कि भाई तेरे को मतलब आप लोग को पेमेंट तो करनी ही है, तो आप इतनी देर तक क्यों होल्ड करके रख रहे हो वो पेमेंट, इधर यू हैव इन्वेस्टेड इट, दे इन्वेस्टेड इट टू गेट सम इंटरेस्ट, अब ये बात सच है या नहीं पता नहीं मेरे को, अब हाँ लेकिन एज अ प्लेयर जो वेट कर रहा है कि भाई उसका पेमेंट आ जाए, अजम्पशंस तो वो कुछ भी कर सकता है ना ब्रो, क्या पता ये मेरा पे आउट ही क्लियर ना करने की सोच रहे हो, क्या पता इनने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। एंड इसके बाद जो रॉनी है वो बात करते हुए दिखाई दे जाते हैं कि हमारे को क्या उनका ड्रॉप क्लैश देखने को मिलेगा जीटी के साथ, एंड काफी सारी चीजों पे वो बात करते हैं कि जो जीटी है क्या वो कैंप करती है, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। क्या कल टीटी से ड्रॉप क्लैश होगा देखते हैं यार, अभी क्या सीन है, अभी तो उनके पास 10 पॉइंट की लीड है, 6 मैचेस हैं, बहुत ज्यादा मैचेस हैं, देखते हैं क्या बनता है, बाकी जीतने का तो ट्राई करेंगे, फुल टेंशन मत लें यार। टीटी कैंपर्स नहीं है यार, वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं भाई, तो हेट मत दिया करो चैट में जाके, कैंपर वैम्पर हर एक टीम उधर जीतने के लिए आ रही है, मगर उनका क्या गलती भाई, लॉबी मर जा रही है और वो सर्वाइव करके अच्छा मैच बना रहे हैं उसको, समझ रहे हो, सो डोंट सेपरेट हेट। ओ भाई 100 मिलियंस आ गए भाई तेरे, रेड मार दी उन्होंने। एंड इसके बाद जो फिक्सेस है वो बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे को नेक्स्ट ईयर जो है वो ऑफिशियल में स्लॉट पक्का से मिलने वाला है, क्योंकि यार काफी जो हाइप है वो कम हो रही है बीजीएमआई एंड पबजी की, तो इस पे उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। देखते हुए लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट एक आध इंटरनेशनल तो अपन खेलेंगे वे, एंड ट्रस्ट मी इफ इंडिया प्लेज इंटरनेशनल नो द पबजी मोबाइल सीन इज ऑल्सो गोना गेट अ लाइफ, बिकॉज वो भी थोड़ा सा डेड हो रहा है, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग लाइक दे यूज्ड टू वॉच। I'm talking about days where you know 100k was just on the waiting screen. You remember chat? You remember those days? मतलब तुमने start stream start भी नहीं हुई, 100k people are just waiting on the screen for just the stream to start. And like during intense matches, like 500k तो ऐसे. If you're talking about performers in the international stage, एक हो सकता है तुम्हारा नकुल, ठीक है. एक हो सकता है स्प्रेगॉड, एक है तुम्हारा सारंग. ठीक है, और कौन है जो गुद्दी लाल कर सकता है, गॉब्लिन भी कर सकता है, बट लाइक आई सेड उसको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फ्यूचर स्टार अगर तुम बोल रहे हो, आई थिंक नियो फ्रॉम सीजी इज आल्सो वेरी गुड, आई थिंक लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन डू दैट आज के डेट पे। एंड इसके बाद जो गॉड लाइक की न्यू क्रिएटर है बच्चू प्लेयर्स, काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने गॉड लाइक को कैसे ज्वाइन किया, एंड इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। सो बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, थैंक यू काल की इन्फॉर्म को ये बताने के लिए। एक्चुअली जो लोग नए आ रहे हैं जिनको नहीं पता, मैं बाय प्रोफेशन एक्टर हूँ, अभी जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले ही स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है, और लकीली मैं अपनी किस्मत ही समझूंगी कि आज मैं गॉड लाइक यहाँ पर हूँ। एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या था। आप बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक स्ट्रीम एक वीडियो पर रिएक्ट करो और सीधा गॉड लाइक में एंट्री मारो, नहीं ये पूरा सच सुनने से पहले ही बहुत लोग कमेंट करने लग जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने खुद से अप्रोच किया था गॉड लाइक को, एंड उनका मैसेज भी आया था मुझे, तो उसके नेक्स्ट डे आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने रिएक्ट किया, देन रिएक्ट किया, एंड मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो वायरल चली जाएगी, और वीडियो वायरल गई एंड हेयर आई एम, सीधा वहाँ से सीधा यहाँ। तो इसमें किस्मत ही है, इसमें मैं अपनी किस्मत ही समझूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो पर हम भी रिएक्ट कर देते हैं और सीधा गॉड लाइक में पहुंचेंगे। सो विदाउट बैक स्टोरी जाने लोग बहुत कुछ बोलते हैं, यस जस्ट बी योरसेल्फ, हाँ यार स्टार बॉय। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।